लग रहा है। कहाँ गुम हो? ऑफिस से भी जल्दी आ गए हो। मानूर से मुलाकात हुई आज सवेरा, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी। ये तो पहले कभी उसने मुझसे डिस्कस किए मगर कोई फैसला नहीं किया था। जब फासले बढ़ जाते हैं तो फैसलों से भी लाइल्मी हो जाती है। फासले मेरी वजह से नहीं, उसकी गलत सोच ही वजह से बना है। ये जिंदगी है, कोई खेल तो नहीं है कि दूसरे पे इल्जाम लगा के हम खुद बरी जिम्मा हो जाए। मैं तुम्हें बहुत समझदार समझती हूँ। जिस तरह तुम मारूल के साथ बिहेव कर रहे हो, आई एम सॉरी टू से, तुम्हारे बारे में मेरी राय बदल रही है। अब वाह मैं, आज तो आप मेरे आने से पहले ही बाहर खड़ी थी। बेटा मुझे लगा मानू आ गई है। क्यों, वो कहाँ गई है? जॉब के इंटरव्यू के लिए गई है ना, अब तक आ जाना चाहिए था, आई नहीं अभी तक। अम्मी बच्ची नहीं है वो, आ जाएगी। वैसे उसने सही फैसला किया है, इस बहाने उसका ध्यान तो बटेगा, वरना अब्रार की वजह से तो हर वक्त का रोना ही रहता है। ऐसे हैरत होती है मुझे अब्रार पर, उसने पलट कर मानो को ना कोई कॉल किया ना कोई मैसेज किया। कैसे करेगा अम्मी, उसको नेहा से फुर्सत मिले तो वो मानो को फोन या मैसेज करे ना। आपको पता है ऑफिस से आते ही आंटी को सलाम करके सीधा ऊपर हाजिरी लगाने जाता है। अच्छा, मुझे तो लगता है जब हम सब सो जाते होंगे ना तभी नीचे आता होगा, क्योंकि मैंने अपने जागते हुए तो उसको नीचे नहीं देखा। पता नहीं दोनों क्या बातें करते हैं जो खत्म ही नहीं हो रही। इकरार कुछ नहीं कहता, वो क्या बोलेंगे अम्मी, उन्होंने तो उल्टा अब्रार की ड्यूटी लगाई है नेहा को यूनिवर्सिटी से लाने ले जाने की। ये नेहा ना मेरी मानू की खुशियों को घुन की तरह खा गई है। तुम फोन करके पूछो तो सही, कहाँ रह गई है वो। अच्छा मैं करती हूँ, आप अंदर तो बैठे। चल। हेलो। हाँ कहाँ हूँ, कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? चलो शुक्र, हाँ मैं घर आई हुई हूँ। ओके चलो मिलते हैं। क्या कह रही है? बस 10-15 मिनट में आ रही है घर। अच्छा रहा इंटरव्यू, कह रही है। चलो ठीक है, आओ बैठो।